अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं जमीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अभी तक जेड न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जेड न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे आने वाली हमारी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। सुबह शाम सूरह यासीन पढ़ने के ताल्लुक से आपने सवाल किया कि क्या ये इसकी कोई हदीस है या कोई फजीलत ऐसी साबित है कि हाँ भाई सुबह शाम पढ़ना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल हदीसें हैं इसके ताल्लुक से, सुबह शाम पढ़ने के ताल्लुक से। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जामे तिर्मिज़ी, सुनन दारमी, बेहकी वगैरह में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना लिकुल शैइन क़ल्बन وقلب وقلب القرآن ياسين ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات। कि सूरह यासीन जो है वो कुरान का दिल है, हर चीज़ का एक दिल होता है। सूरह यासीन कुरान का दिल है, जिसने सूरह यासीन पढ़ी अल्लाह ताला उसको 10 मरतबा कुरान पढ़ने का सवाब देता है। इसी तरह से मुसनद दारमी और अबू याला और तबरानी, बेहकी वगैरह में हज़रत अबूर रज़िल्ला तआला से रिवायत है, कहते हैं कि अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन करा यासीन फ़ी लैलतिन इब्तिगा वजहल्लाहि गुफिर लहु तिल्क अल्लैला, कि जिसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास के साथ सूरह यासीन पढ़ी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रात के वक्त खालिस अल्लाह के लिए सूरह यासीन पढ़ी तो उस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बख्श देता है, उसको माफ़ कर देता है। सही इब्ने हिब्बान में हज़रत जुंदुब बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला से रिवायत है, वो कहते हैं क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़रा यासीन फ़ी लैलत इब्तिगा वजहिल्लाहि गुफिर लहु, कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने सूरह यासीन रात को पढ़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए इखलास के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इस तरह की कई रिवायतें मिलती हैं। इसी तरह से दारमी, बेहकी, तबरानी वगैरह में कई रिवायतें मिलती हैं जो सूरह यासीन की फजीलत पर मौजूद हैं। अलग अलग फ़ज़ाइल इसके बयान हुए हैं। दिन में सूरह यासीन जो पढ़ ले एक बार, उसकी फजीलत बयान की अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसको बख्श दिया जाता है। एक रिवायत में आता है कि हाँ भाई अगर उसी हालत में मर गया तो शहादत की का दर्जा उसको मिलता है। तबरानी वगैरह की रिवायत में आता है। एक रिवायत में आता है कि दिन में पढ़ने पर अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी कर देता है। सुनन दारमी वगैरह की रिवायत है। एक रिवायत में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उसके लिए सारे काम को आसान कर देता है। जो सुबह पढ़े उसके दिन के काम आसान हो जाते हैं, जो शाम को पढ़े उसके लिए रात के काम आसान हो जाते हैं। इस तरह की कई रिवायतें हैं इसके ताल्लुक से जो इसकी फजीलत में साबित हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।